मंदसौर जिले के सरपंच संघ ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर श्री कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष लाला गुजर ने प्रेस में बताया कि सरपंच अपने बल बूते पर स्वयं जीत कर आता है, लेकिन सरपंचों के सचिव पार्टनर बन गए हैं। और उन्होंने आगे बताया कि सचिव और इंजीनियर स्वयं बिना सरपंच के जानकारी के परसेंटेज पर ठेका ले लेते हैं। सरपंच सचिव और इंजीनियरों से परेशान है और आगे बताया कि सरपंचों को 40 की धारा लगाकर उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें नोटिस तक नहीं मिलता है और उन्हें सरपंच पद से हटा दिया जाता है। इस तरह की समस्या सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष लाला गुजर ने प्रेस में बताया। सरपंचों पे लेटर जो मतलब भेजते हैं कि इस कारण आप पे लेटर भेजते हैं, वो भी उनको मिला नहीं और उनको हटा दिया गया है। उसके पश्चात यहाँ पे सहायक सचिव की मनमर्जी चल रही है, सचिवों की मनमर्जी चल रही है, कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें तो सरपंच के पार्टनर बन के बैठे हैं सचिव। इंजीनियर लोग टाइम से ना TS बनाते ना कुछ करते हैं, खुद ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, खुद परसेंटेज पे काम करने के लिए तैयार है, जैसे कि मतलब सब उन्होंने किया है। आज सरपंच अगर कोई जीत के आया, कोई मेहनत करके आया, सामने वाले गांव वालों ने उन पर विश्वास जताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये समझ लो कि आज की तारीख में अगर सरपंचों को कोई चला रहा है, सचिव लोग चला रहे हैं, इंजीनियर लोग चला रहे हैं, सरपंच बिल्कुल निष्पक्ष कुछ नहीं रहा सरपंच। बहुत मतलब ये क्या, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा? सामूहिक त्याग पत्र देंगे, उसके पश्चात भोपाल निकलेंगे। फंड की कमी है, 15वां वित्त की जो राशि डिसाइड होती है, पिछले कुछ सालों से अच्छी राशि आ रही है, मगर 1.5 साल से जब से हम आए हैं हमको राशि बहुत नगण्य, मतलब आधी से भी कम राशि मिली है, जिसमें विकास कार्य करना असंभव है। उसके अलावा नरेगा जो कि एक थे भारत में, न कोई नियम है, ये एक थे, यानी कि इसमें अपने को पैसा डालना ही होगा, मगर पिछले 1 साल से हमने देखा है कि इसका बजट बहुत कम कर दिया गया, जिसमें छोटे मोटे काम जैसे नाला हो गया, सुदूर सड़क हो गया, चेक डैम निर्माण हो गया, स्वच्छ भारत के तहत हम बहुत सारे काम करा सकते थे, वो सब काम हमारे अवरुद्ध हो चुके हैं और हम काम करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहे हैं। और गांव में जाते हैं तो हर चौराहे पर ये चर्चा होती है कि भैया काम क्यों नहीं करा पा रहे हो सरपंच साहब, उसी को लेकर हम अपनी मांग रख रहे हैं यहाँ पे। उनकी मदद कर सकते हैं, अगर कुछ हेल्प हो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होगी हम वो यहाँ से करेंगे, और कुछ मांग उनकी ऐसी जो हमें जेल वहाँ पर भोपाल भेजना होगी तो हम वो ऐसा करेंगे, वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो भी बेस्ट है वो हम लोग अपने तरीके से करेंगे।